सिर्फ 20 मिनट में 5000 रॉकेट दिए दाग। इजरायली अपनी जान बचा कर रहे भाग। इस तबाही का कौन देगा हिसाब? क्या वर्ल्ड वार 3 का हो गया आगाज? 7 अक्टूबर की सुबह जब हम और आप ठीक से सोकर भी नहीं उठे थे, तब हमास ने इजरायल की तरफ 5000 रॉकेट दाग दिए। इसके जवाब में इजरायल ने भी हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो क्या इसे वर्ल्ड वार 3 का आगाज माना जाए? क्या इतना आसान है इजरायल पर हमला? और कौन है ये हमास जिसने इजरायल जैसे देश पर हमले की हिमाकत कर दी? क्या है इस हमास का मकसद? कौन करता है इसे कंट्रोल? ये सब हम आपको बताएंगे। सिर्फ 3 मिनट की इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल इजरायल से दुश्मनी मोल लेने वाला हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साल 1987 के आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासीन ने इस संगठन की नींव रखी थी। तब से अब तक हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गाजा पट्टी से ऑपरेट होने वाला हमास इजरायल को देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देता और इस पूरे इलाके में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। हमास की स्थापना के एक साल बाद यानी साल 1988 में हमास का चार्टर भी बना, जिसमें संगठन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि हमास यहूदी समुदाय और इजरायल को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेगा। वहीं इसके जवाब में इजरायल हमास और उसकी हिंसा वाली सोच को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। यही वजह है कि दोनों के बीच अक्सर भिड़ंत होती है। यहां गौरतलब बात यह है कि हमास के भी दो धड़े हैं। एक धड़े को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के इलाके में दबदबा है। उसने इस इलाके में तमाम स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं। इजरायल के खिलाफ लड़ाई भी वो यहीं से ऑपरेट करता है। दूसरे धड़े की नींव साल 2000 में रखी गई थी। इसकी शुरुआत के बाद से इजरायल के खिलाफ हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, खासकर आत्मघाती हमले कई गुना बढ़ गए। अब आपको बताते हैं कि हमास के पास कितने लड़ाके हैं। तो इसका जवाब स्पष्ट तौर पर किसी के पास नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में हमास की रैलियों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते देखे गए हैं। खासकर नौजवानों की संख्या काफी है। कुछ रिपोर्ट्स में हमास के लड़ाकों की संख्या 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। हमास में आंतरिक कलह की बातें भी सामने आती रही हैं। खासकर साल 1996 में जब हमास की तरफ से इजरायल में एक के बाद एक कई बम धमाके किए गए और 60 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। उस वक्त एक धड़े ने तो इसकी खिलाफत की, लेकिन दूसरे धड़े ने तर्क दिया कि सशस्त्र लड़ाई जारी है। अगर हमास की ताकत की बात करें तो इजरायली सेना के मुकाबले हमास भले कमजोर नजर आता हो, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन अटैक जैसी क्षमता से लैस है। हमास की एलीट यूनिट को कॉर्नेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। जानकारी के मुताबिक ये संगठन ज्यादातर हथियारों को गाजा पट्टी में ही ऑपरेट करता है। वहीं इजरायल इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि हमास के पास हथियार बनाने की तकनीक ईरान से आई। इजरायल अक्सर कासम और कुदूस 101 जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों का जिक्र करता रहा है और कहता है कि हमास के पास इन दो मिसाइलों का ठीक ठाक जखीरा है। इजरायल ये भी दावा करता है कि तमाम इस्लामिक मुल्क हमास को फंड करते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा नाम कतर का सामने आता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकेले कतर हमास को 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है। यही वजह है कि हमास के समर्थक दुनिया भर में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि हमास ने इजरायल को लाल आंख दिखाने की जरूरत कर दी है। 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल की तरफ 20 मिनट में 5000 रॉकेट हमास ने दागे हैं। हमास इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दे रहा है। हमास चीफ मोहम्मद दाइफ का कहना है कि अब बहुत हो चुका, इजरायली कब्जाधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए हैं, उन पर जुल्म ढाए हैं। हमने पहले ही दुश्मनों को चेतावनी दे दी थी, लेकिन वे नहीं माने। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल भीषण युद्ध के हालात बन चुके हैं। हमास के अटैक में इजरायल के 40 लोगों की मौत हो गई है। इसके जवाब में इजरायल डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की शुरुआत भी कर दी है। वहीं इजरायल ने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी की सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले अपने नागरिकों को घरों में रहने की हिदायत दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। अब इस जंग का अंजाम क्या होगा, ये देखना बाकी है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।